इस शो में ली जोंग सुक ने बड़ा ही कमाल का काम किया है। वो एक नौसिखिया फेल लॉयर का रोल निभा रहा है जिसका नाम है पार्क चांग हो, और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी बीवी जिसका रोल निभाया है इम यू हे ने, और उसके करेक्टर का नाम है ग्यो मी हो। जब भी वो मुसीबत में फंसता है तो उसकी बीवी ही उसे बचाने आती है और वो उस पर अंधा विश्वास करती है कि उसका पति कुछ गलत नहीं कर सकता। जब एक बहुत बड़े केस में लालच दिखा के बुरी तरीके से फंस जाता है और जिससे वो पंगा लेने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसे झूठे ड्रग वाले आरोप में फंसा के जेल में भेज देता है। जब पुलिस उसकी जांच कर रही होती है तो पुलिस उसे खुकार अपराधी समझती है जिसका नाम है बिग माउस। पार्क चैंग हो है वो अपने आप को बिग माउथ बुलाता है, पर अब वो बिग माउस हो चुका है क्योंकि उसके जो ऑफिस है उसमें बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं लोगों को विश्वास दिला दे कि वो बिग माउस है। अब उसे जेल में लंबे समय के लिए डाल दिया गया है और वो डरा डरा सा रहता है क्या होगा कैसे होगा, और जिन लोगों से पंगा लेके वो जेल में आया है वो लोग भी जेल में बैठे हैं और वो उसका जीना हराम कर रहे हैं। इस जिल्लत भरी जीवन से बचने के लिए सुसाइड करने की भी कोशिश करता है शो में, कहना तो नहीं चाहिए पर वो कॉमेडी वाले सीन थे। वो जब भी मरने की कोशिश करता है वो किसी ना किसी तरह से बच जाता है, तो इन्होंने सीरियसपन में भी कॉमेडी डाल दी है, पर तब भी उसकी बीवी उसका साथ नहीं छोड़ती और वो सबूत ढूंढने लग जाती है जिससे वो अपने पति को बेगुनाह साबित कर सके। कहानी इतनी सिंपल लग रही है पर इतनी सिंपल है नहीं है, क्योंकि जो बिग माउस है वो एक्चुअल में बिग माउस की मदद कर रहा है कि लोगों को लगे वो बिग माउस है। जेल के अंदर हमारा पार्क चैंग हो किसी भी चीज का दावा करता है तो बिग माउस उसे सिद्ध करने में लग जाता है, लोगों को विश्वास हो जाए कि यही असली बिग माउस है। और वहां पे जेल में उसे एक जेरी नाम का करेक्टर मिला है जिस पे लोगों को शक हो रहा है ऑनलाइन कि वो बिग माउस होगा, पर वो है या नहीं है ये जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। पर वो जेरी का करेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो हमारी मेन लीड की समय समय में मदद कर रहा है और इसी कारण लोगों को लग रहा है शायद वो बिग माउस होगा। तो हमें इस शो के बीच बीच में फ्लैश बैक भी दिखाए जाते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि अपने मेन लीड्स का रिश्ता कितना अच्छा है, वो कैसे एक दूसरे को जानते हैं और उनकी इतनी बनती है एक दूसरे के साथ। इसमें जो हमारी फीमेल लीड है वो एक नर्स है जो एक हॉस्पिटल में घुस गई है अपने पति के बेगुनाह होने के सबूत ढूंढने के लिए, जिसमें उसे प्रोफेसर सीओ नाम के व्यक्ति के पेपर्स को ढूंढना है जो उसके पति को बेगुनाह साबित कर सकता है और असली लोगों को जेल के पीछे डाल सकता है। जो असली गुनेगार है वो बड़े ही ताकतवर लोग हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और जब उसकी बीवी इन सब लोगों से बाहर अकेले पंगा ले रही होती है तो देखने में अजीब लगता है, क्योंकि वो हीरो को सीधा जेल भेज सकते हैं तो वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहे। ये थोड़ा प्लॉट होल सा लग सकता है पर राइटर ने थोड़ा सा कन्विंस करने की हमें कोशिश की है थोड़े छोटे मोटे उस पे हमले करवा के। इस शो में एक और इंटरेस्टिंग करेक्टर है मेयर का, जिसने हमारे मेन लीड को इन सब चक्रों में फंसाया है, वो अजीब सा केस दिलवा के जिसके कारण वो जेल चला गया है और वो उन अमीर गुंडों से आगे निकल के चेयरमैन बनना चाहता है। उसका थोड़ा सा बैक स्टोरी के हिंट दिए जाते हैं शुरुआती एपिसोडों में, पर जो एक्चुअल में क्या है उसका रिश्ता उन गुंडों के साथ और वो बिग माउस है नहीं है ये जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा एंड तक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके रिवील किया जाता है। वो भी इंटरेस्टिंग करेक्टर है, समय समय पे मेन लीड्स की मदद कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर वो भी गुंडा हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते शो में किस पे विश्वास किया जाए, कोई भी बिग माउस निकल सकता है, यहाँ तक कि मेन लीड की बीवी भी। शुरुआत में इसका प्लॉट लगा था बोरिंग सा होगा, वही घिसी पिटी कहानी है, इनोसेंट व्यक्ति जेल चला गया, पर जो ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं और जो क्लिफ हैंगर पे एपिसोड खत्म होता है वो देखने लायक है। राइटर ने बहुत अच्छे अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न दिए हैं और खास करके अपने ली जोंग सुक की एक्टिंग है वो देखने लायक है। जैसे वो इमोशंस शो कर रहा है वो देखने में बड़ा मजा आ रहा है, चाहे वो पास्ट के फ्लैशबैक वाले सीन हो चाहे प्रेजेंट में वो एकदम से हंसने रोने लग जाता है एकदम से, और जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो देखने लायक है। तो मिलिट्री के बाद छुटने के बाद जो उसने पहला शो चुना है वो भी बहुत अच्छा चुना है और उसमें उसने अपनी एक्टिंग से चांद चांद लगा दिए। अगर आपको पूरे शो की मिस्ट्री जाननी है कि पार्क चैंग हो जेल से बाहर कैसे निकलेगा और अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करेगा और बिग माउस मेन लीड की इतनी मदद क्यों कर रहा है और पार्क चैंग हो बिग माउस के पास कैसे पहुंचेगा और एक्चुअल में बिग माउस है कौन, उसकी बीवी, उसका ससुर, मेयर या फिर कोई और चौथा करेक्टर, ये सब जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा जिसमें रोमांस है, मिस्ट्री है, थ्रिल है, सस्पेंस है, मर्डर है और ओएसटी भी कमाल के हैं। और शो की सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी है और एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है खास करके ली जोंग सुक ने। तो मैं इसे 8.7 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10। फिर मिलेंगे किसी और।